हाँ सर, हमारे यहाँ पर श्री रितेश अग्रवाल सर और साथ में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के HOD श्री श्रीकांत सर, और ये यहाँ पर बच्चों के द्वारा, यहाँ पे छात्रों के द्वारा एक रिक्शा बनाया गया है, ई रिक्शा बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए आप बैटरी, आप डायरेक्ट इसको चार्ज कर सकते हैं, साथ में सोलर पैनल भी इसमें लगाए हुए हैं जिनके माध्यम से इसकी बैटरी चार्ज हो सकती है। ये रिक्शा एक बार चार्ज होने पे कम से कम 80 किलोमीटर चल जाता है। काफ़ी अच्छा और सस्ता एक जोड़ निकाला है हमारे यहाँ के छात्रों ने। आप सर कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? ये जो छात्रों ने प्रोजेक्ट बनाया है ये काफ़ी कम लागत का है, और इसके साथ साथ जो वर्तमान परिवेश में ई रिक्शा की मांग बढ़ रही है उसमें इस तरह के प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल होंगे। सर बारिश में भी सर ये रिक्शा काफ़ी मतलब कारगर सिद्ध होगा सर? उसमें देख सकते हैं आप, दो दो नींबू मतलब लगे हुए हैं, कुछ मिर्चें भी लगी हुई हैं सर। तो हमारे लिए मतलब भारत की जो संस्कृति नहीं है, हाँ ये हम कोई अच्छी चीज बनाते हैं जी सर, किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल सर, बच्चों ने ये इतना शानदार प्रोजेक्ट आपके सामने पेश किया तो इसलिए बच्चों ने नींबू और मिर्च लगाया है। हालांकि ये प्रचार आता होगा, कई बार आप लोग भी देखते हैं कि नींबू और मिर्च से हमारी सुरक्षा नहीं होती है। यदि हमारी जो सेफ्टी फीचर्स है, जो हमारे टायर है, जो हमारा ब्रेक सिस्टम है, यदि वो अच्छा है तो हम जो है सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर भी हमको मान्यताओं के ऊपर भी जाना है। और अभी आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ रफाल आया था तो जो हमारे आदरणीय हमारे गृह मंत्री, तत्कालीन सुरक्षा मंत्री, तत्कालीन जो सुरक्षा मंत्री थे, है ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने भी देखे सबसे पहले, है ना, उसको तिलक लगा करके और पूजा किया था। और अभी आपने देखा होगा कि जो मीराबाई चानू है, जब इन्होंने अपना ये सिल्वर मेडल जीता, है ना, तो उसमें देखा होगा कि जब वो वेट लिफ्टिंग कर रही है तो सबसे पहले वहां पर वो तिलक लगा रही है। बिल्कुल। तो ये हमारी मान्यता है, हमारी संस्कृति है, और हम इसी पे विश्वास करते हैं और इसी पे हमारी विजय होती है। बिल्कुल सर, इस रिक्शे की मदद से कई सारे ऐसे रिक्शा चालक है जो काफी वृद्ध हो चुके हैं, जिनमें इतनी क्षमता नहीं है कि रिक्शा को खींच सकें, और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वर्तमान में जो मार्केट में उपलब्ध ई रिक्शा हैं उनका पैसा उसको उससे खरीद सकें पैसा दे के। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प रहेगा, काफ़ी सस्ता है, और उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप से और भी प्रोजेक्ट हमारे विभाग में, ऐसे डिपार्टमेंट कॉलेज में बनते रहें। इसके लिए मैं तहे दिल से श्रीकांत शुक्ला और मैकेनिकल के छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ सर। और बिल्कुल सर, ऐसे प्रोजेक्ट बनने चाहिए पूरे कॉलेज में हर जगह।